आज कोशिश करेंगे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे लेवल पर समझ में आए। थोड़ी सी एनर्जी लेवल डाउन है, बट फिर भी एक प्रयास करेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं और कुछ ऐसे ज़रूर हैं जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं बहुत दूर से, उनके लिए रेगुलर इतनी एनर्जी रहे कि आपको रेगुलर एक वीडियो ज़रूर मिलता रहे। उसी कमिटमेंट के साथ आज का सेशन शुरुआत करते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कुछ डिस्कशन थोड़ा सा पार्ट हमने पहले वीडियो में लिया था, इस बार मोर क्लियर करेंगे। जो भी क्वेश्चंस उठाएंगे बेसिक लेवल उठाएंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस के ही क्वेश्चन होंगे, आप समझने का प्रयास करें। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, जैसा कि हमने बोला कि चल रहा है, उसी में पहला क्वेश्चन लिया कि लिमिट एक्सटेंस टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका मतलब है जी आई एफ, मतलब कुछ भी डाला जाए तो उसमें जो मैक्सिमम, सबसे जितना मैक्सिमम हो सकता है इंटीजर पार्ट होगा वो निकल के आ जाए, ठीक है। जब भी लिमिट लगी होती है हम बताते हैं कि लिमिट लगने का मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू दो नहीं है, इसका मतलब या तो दो से कम है या दो से छोटी। हम चेक करने वाले जब फंक्शन में हम टू माइनस एच डालेंगे, माइनस का मतलब होता है उससे थोड़ा सा कम, तो जब हमने टू से थोड़ा कम डाला इसका मतलब टू के लेफ्ट से बिहेवियर चेंज चेक कर रहे हैं। जहाँ भी फंक्शन दिया गया वहाँ पर x की जगह क्या रख दिया, 2 माइनस एच। हमने बोला कि सबसे पहले फंक्शन को इवेल्यूट करते हैं बाद में लिमिट लगाते हैं। अगर आपने यहाँ लिमिट अप्लाई कर दी तो अब इसको आप ज़ीरो कर देंगे तो आंसर आपको लगेगा 2, बट अभी लिमिट अप्लाई नहीं हुई है, लिमिट ज़ीरो होने वाली है, इसका मतलब अभी ज़ीरो नहीं हुई है। जैसे बोले कि एक्सीडेंट होने वाला है, अगर आपको ये पता चल गया कुछ देर पहले कि एक्सीडेंट होने वाला है तो रियल में आप प्रिकॉशन जरूर ढूंढेंगे, ठीक है, और अपने आप को सेफ कर लेंगे। तो टेक्नोलॉजी ये सिखाती है कि कोई काम जो होने वाला है उसको वो रोक नहीं सकते हैं बट टाल सकते हैं, आपको पहले से अलर्ट कर सकते हैं। तो लिमिट का मतलब है कि दो पर क्या हो रहा उससे पहले ही हम लोग वो जज कर लें। तो टू से थोड़ा सा घटाया गया, जैसे कि एग्जाम्पल में 2 से 0.1 घटाया गया तो 1.9 होगा, और 1 का इंटीजर पार्ट क्या हो जाएगा 1। 2 से थोड़ा भी घटा दिया गया तो 2 नहीं रहने वाला, तो इसका आंसर लिमिट एज टेंस टू 0 1 आ जाएगा। और 1 पे लिमिट लगाएंगे तो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा क्या रहेगा 1। 2 से थोड़ा बड़ा, सपोज 2.1, 2.3, 2.5, तो जो भी यहाँ पे करेंगे लिमिट आप वैल्यू क्या पाएंगे 2। बताया गया था कि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर को समझे, ध्यान से समझे कि अगर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है तो दो इंटीजर, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच में पहले क्या करता है फंक्शन, अगर इंटीजर हुआ है कोई वैल्यू इंटीजर हुई है, जैसे कि 1 रुपये से 2 रुपये होने के लिए 100 पैसे कलेक्शन करने पड़ते हैं। बाद में ध्यान दें कि अगर आपके पास वैल्यू 1 रुपये से 2 रुपये हुई इसका मतलब आपने कितने कलेक्ट किए 100 पैसे, तब जाके 2 रुपी हुआ। अगर आपने 100 पैसे कलेक्ट नहीं कर पाए तो आप 2 रुपी नहीं बोल पाएंगे, 1 पॉइंट समथिंग बोलेंगे, तो उसमें रुपी 1 ही है। तो यहाँ पर भी अगर 2.3 आए तो 2 + 0.3, तो इंटीजर पार्ट कितना हुआ, तो अगर 2.3 का इंटीजर पार्ट लें तो 2 आ जाएगा। यानी कि हमेशा वो अपने लेफ्ट मोस्ट, मतलब लेफ्ट वाले नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है ये भी हम बता देते हैं आज। आप ध्यान दें कि 2.3 है तो बोलता है कि जिस वैल्यू का हम इंटीजर निकाल, भाई ध्यान देना, ठीक है, थोड़ी एनर्जी हमने बोला कि लेवल कम है बट होने नहीं देंगे, लग भी नहीं रहा। 2.3 का इंटीजर पार्ट निकालना है तो वो बोलता है कि उससे पहले 2.3 से पहले आने वाले जितने भी इंटीजर हैं उनको ध्यान रखिए। तो पहले -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, उससे पहले क्या 3 होगा, बोलो 2.3 से पहले 3 आया कि बाद में आएगा। हाँ, इनमें से अब इधर भी ऐसे इंटीजर होंगे, इनमें सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, हाँ, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या है, उससे पहले आने वाले सारे इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू ही उसकी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है। बात समझे कि नहीं। एग्जाम्पल में जैसे दिमाग में आया कि 4.03, तो आपको पता है कि 4.03 से आने वाले सब इंटीजर में से सबसे बड़ा इंटीजर कौन है, 4 है। बात क्लियर हो गई होगी, हाँ, बात को ध्यान रखिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बताया गया है
कि यहाँ लिमिट का आर एच एल हमारी 2 आई, एल एच एल हमारी 1 आई, जब भी एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर आ जाएगा। एक हमने क्वेश्चन और आगे बढ़ाया, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, मतलब एक वेरिएबल ऐसा लिया जहाँ पर इंटीजर पार्ट नहीं लगा है और एक में इंटीजर पार्ट लगा है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिमिट लगाने वाले हैं, देखते क्या होता है। हमने बोला कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं, 3 से छोटा और 3 से बड़ा, तो 3 से छोटे के लिए हम लोग एल एच एल पे जाएंगे और 3 से बड़े के लिए आर एच एल पे जाएंगे। अब हम एक एच का सहारा लेंगे, 3 से वो एच घटा देंगे, तो 3 से छोटी वैल्यू पर चेक कर रहे हैं हम लोग, और वो वही एच जो है 3 पे कुछ जोड़ देंगे, तो हम मान के चलते हैं कि 3 से हम राइट में बैठे हुए हैं और यहाँ 3 से क्या है लेफ्ट में बैठे हैं। अब धीमे धीमे एच 0 होता जाएगा तो हम 3 की ओर बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ हम ऐसे बढ़ेंगे तो लेफ्ट हुआ और यहाँ ऐसे बढ़ेंगे तो राइट बिहेवियर हुआ। अब फंक्शन में जहाँ पर भी ये पूरा फंक्शन है हमारा, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, फंक्शन है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, अगर आप एफ ऑफ एच करोगे तो अगर एक्स की जगह एच किया है तो इस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा एच, और इस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा एच, ऐसा हो जाएगा। एफ ऑफ माइनस एच किया तो इस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस माइनस एच, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग क्या 3 माइनस एच रखने वाले हैं, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा 3 माइनस एच, माइनस 3 माइनस एच, ओके। हमने बोला कि लिमिट अप्लाई करने से पहले हम लोग फंक्शन को इवेल्युएट करते हैं, तो एच 0 होने से पहले एच कुछ पॉजिटिव रहा होगा, तो 3 में से कुछ घटा तो 3 से छोटी वैल्यू हो गई, तो इसका आंसर क्या आ गया 2, और यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं लगा तो ऐसे ही रहेगा। अब हम इसको सॉल्व कर लें, तो 3 से 2 गया तो क्या आया 1 माइनस एच। अब कोई भी ना तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है ना ही फंक्शन का इवैल्यूएशन है, जब अब कुछ भी नहीं रहा ठीक है तो अब क्या होगा, लिमिट इवैल्यूएट होगी होगी। एक दिन कभी ऐसा टाइम आएगा कि एच क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ गया हमारी एल एच एल क्या आ गई 1। इसी चीज़ को हम आर एच एल पे अप्लाई करते हैं, लिमिट एच चेंज टू 0, एक्स की जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं ध्यान दें, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 प्लस एच रखने वाले हैं। हमने बोला कि लिमिट अप्लाई करने से पहले आप फंक्शंस को इवेल्युएट करिए फंक्शनैलिटी के साथ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करता है इंटीजर पार्ट ही कंसिडर करता है, तो 3 से थोड़ा बड़ा, तो 3 से बड़ा थोड़ा बड़ा तो मतलब 3 प्लस समथिंग हुआ, तो अभी क्या हुआ इंटीजर उसमें 3 था। अब आप देख रहे हैं कि इसको इससे काट देंगे तो एच टेंडिंग टू 0 पर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे केवल एच बचा ना तो 0, तो आर एच एल क्या हो गई और एल एच एल क्या हो गई। हमने बोला जब भी एल एच एल आर एच एल बराबर ना हो तो लिमिट क्या है एग्जिस्ट नहीं करती। हम लोग इसको आगे एक हम लोग ऐसा लेक्चर लेंगे जब हम लोग ग्राफिकली इसको एनालिसिस करेंगे ठीक है, तो आप ध्यान रखें कि अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक मेथड पे जा रहे हैं, उसके बाद ग्राफिकली बहुत ही आसान होता है बट ग्राफ सीखना थोड़ा सा टफ है, तो आप ग्राफ देखना शुरू कर। तो हम लोग अभी जो हमने सीखा है अब हम लोग एल एच एल आर एच एल को अप्लाई नहीं करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकालेंगे एक पैटर्न को ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिए, बेसिकली एक क्वेश्चन हमने वहाँ पे डिस्कस किया था, अब 2 के लेफ्ट में 2 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू जब भी यहाँ डालेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 2 से थोड़ी बड़ी तो उसका आंसर 2, 3 से थोड़ी सी छोटी 2, 3 से थोड़ी बड़ी 3, के से थोड़ी सी छोटी, हाँ यहाँ देखिए जैसे 3 है तो 3 से थोड़ा छोटा तो एक घटाया, 2 से थोड़ा छोटा एक घटाया, तो k भी एक इंटीजर मान लेते हैं, यहाँ पे लिखा होगा एक बात कि k इंटीजर है, तो k से थोड़ा छोटा तो सीधे वैल्यू कहाँ शिफ्ट होगी 1 घटेगा, और 3 पे के लिए 3 आई, 2 के लिए क्या आई 2 आई, तो k के लिए क्या आएगी k आ जाएगी। ये आपका पैटर्न हो गया, मतलब शॉर्टकट इसलिए बोला कि आप उससे अट्रैक्ट होते हैं, बट बेसिकली शॉर्टकट नहीं है, बट ध्यान रखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उससे हम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, और बाय गॉड उसी आधारित क्वेश्चंस, उस पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होंगे आप आसानी से कर पाएंगे, तो क्वेश्चंस को हम लोग पेशेंसली देखते हैं कि 0 पे हमें लिमिट अप्लाई करनी है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स और माइनस एक्स, तो एज यूजुअल बिल्कुल पेशेंसली हम लोग लेफ्ट और राइट में जाएंगे। अब इतना आप सीख ही चुके हैं कि लेफ्ट और राइट में क्या करना है, एक बार एच रखना एक बार
अब बार बार उसको लिखा जाए, इतना आप सपोर्ट करें हमारा। यहाँ पर माइनस एच रखने वाले थे बेसिकली, तो माइनस एच रखेंगे तो यहाँ माइनस एच हो जाएगा, यहाँ क्या प्लस एच और यहाँ प्लस एच हो जाएगा। समझ रहे कि नहीं? फंक्शन में एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, तो माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, माइनस माइनस क्या प्लस और यहाँ भी प्लस। अगर राइट में ऑब्जर्व करें तो एक्स की जगह क्या रखने वाले हैं, एच, तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटू एच हुआ, यहाँ माइनस एच हुआ और यहाँ माइनस एच हुआ। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, हमने बोला फंक्शन पहले ही वैल्यूएट करते हैं, इसकी वैल्यू माइनस बनाई, ये इंटीरियर पार्ट है जीरो आ गया और प्लस एच आया। अब लिमिट अप्लाई करेंगे, फंक्शन हट गया, माइनस वन आ गया। यहाँ पे देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ क्या आया जीरो आया, यहाँ माइनस वन आया, माइनस एच आया, आपने लिमिट अप्लाई किया, माइनस वन आ गया। जनरली एक ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी है, सीख भी है, कि ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है कि जहाँ पर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वो मजाक में बोलता रहता है। तो एक आपके लिए सीख है कि ये ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाया गया और लिमिट भी क्या है एग्जिस्ट करी, और उससे हम एक अभी पैटर्न आपके सामने लाने वाले हैं, आप इसको नोट कर लें। तो अभी आपके सामने जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बेसिकली ये वाला क्वेश्चन लिया था, इसका आंसर वन और माइनस माइनस वन और माइनस वन एलएचएल आरएचएल बराबर आया था। तो हम लोग पैटर्न यहाँ क्या देख रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को हम लोग एक्स माइनस जीरो लिख रहे हैं, और यहाँ पे माइनस एक्स को जीरो माइनस एक्स कर रहे हैं, और जीरो माइनस एक्स मतलब एक्स को कैसे देख रहे हैं, एक्स माइनस जीरो से माइनस एक्स को जीरो माइनस एक्स से हम लोग देख रहे हैं। ध्यान देने मानने वाली बात है, एक्स जीरो है तो इसलिए हमने जो भी ओरिजिन माना है वो जीरो माना है। यहाँ पे लिमिट हमने क्या लगाई, थ्री, तो देखो यहाँ थ्री माइनस एक्स, यानी जो भी एक्स लिया गया उसका निगेटिव, तो थ्री माइनस एक्स का निगेटिव, और यहाँ पे प्लस थ्री माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस एक्स है तो जीरो माइनस एक्स तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अब देखो क्या किया हमने, इसको ऐसे दिखाया था बेसिकली एक्स और माइनस एक्स करने के लिए, इसको पलट दिया थ्री माइनस एक्स और एक्स माइनस थ्री, थ्री माइनस, तो बाई गॉड इसका आप आंसर चेक करेंगे इसका, तो एल एच एल और आर एच एल आपको बराबर मिलेगी और आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस वन। वही बात यहाँ देखें, एक्स टेंस टू ए, ए माइनस एक्स है, एक्स माइनस ए है, ए माइनस एक्स है, इस तरीके के क्वेश्चन में आंसर क्या आपको मिलेगा, एल एच एल आर एच एल बोथ। आप डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, आप वेरीफाई कर लीजिए, ठीक है, और ऐसे और क्वेश्चन हम लोग लाएंगे आगे, ठीक। हमने पहले बोला था कि आज एनर्जी लेवल हमारा लो रहेगा, फिर भी आप अगर वीडियो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि आपको वाह, आप बोलेंगे कि वाकई में जो भी देखेगा पहली बार, ये बुक्स में जल्दी दिखता नहीं है, जल्दी ज़्यादातर हम लोग बुक्स में क्या देखते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू वन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है। जहाँ पर भी लिमिट लगी होती है लिमिट हमेशा किसको टेंड कर रही होती है, बोलिए, इंटीजर को, किसको टेंड कर रही होगी। पहली बार आपके साथ पास हमने क्या लिया, फ्रैक्शन, क्या लिया, फ्रैक्शन या रैशनल नंबर बोल सकते हैं, क्यू। अब यहाँ देखते हैं कि फ्रैक्शन या कोई रैशनल वैल्यू लेते हैं तो क्या होता है, बहुत ही रेयर आप देखेंगे ऐसा। वही काम अपना करते हैं एलएचएल और आरएचएल पे जाते हैं, बेसिकली हम लोग लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0.5 माइनस एच करने वाले हैं, और यहाँ लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ 0.5 प्लस एच करने वाले हैं। जो भी आप 0.5 से छोटा आप डाल रहे हैं यहाँ पे, और 0.5 से बड़ा, ठीक है। मैंने बोला कि एक भिखारी है बहुत ही परेशान हालत में, कुछ पैसे हैं उसके पास, कुछ और पैसे आ गए फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आज की दुनिया में रुपए नहीं होंगे तो पैसों का मोल नहीं है। तो यहाँ पर जैसे पैसे हैं वैसे फ्रैक्शन है, उसमें कुछ फ्रैक्शन घट गया तो ये मतलब लाइक 0.5 से 0.1 घटा तो 0.4 रहेगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। तो यहाँ पे आने वाली है ज़ीरो। अब हमने बोला, और एक बात देखी होगी कि अगर रोड पे दो व्यक्ति जा रहे हैं, एक बहुत पैसे वाला है तो एक बिल्कुल गरीब है और अंधेरा है, तो डर किसको लगेगा, पैसे वाले, क्योंकि उसके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर अगर उसमें जुड़ भी रहा है तब भी वो गरीब ही है, और घट भी रहा है तो कभी क्या है, गरीब है। तो 0.5 में पूछ पॉइंट घटा तभी ये ज़ीरो आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा था
कि आपके दिमाग में जो परसेप्शन बना है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ग्रेटेस्ट इंडिया एक्स है, तो यहाँ आंसर आने वाला है वन और यहाँ आंसर टू, टू परसेप्शंस सही है बट इंटीजर वैल्यू है, जो फ्रैक्शन है 0.5, दोनों की लिमिट बराबर हुई आपके सामने है।